नमस्कार। सारे दिन हमारा पोस्चर रहता है आगे झुकने का, उसके विपरीत में हमें कुछ आसन करने चाहिए। एक बड़ा सुंदर आसन है जो करने चाहते हैं लोग, जैसे चक्रासन। चक्रासन जो है वैसे तो बड़ा हार्ड पड़ता है, लेकिन आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे चक्रासन बड़ा आसानी से आपसे हो जाएगा और आपकी स्पाइन जो है वो रिवर्स ऑर्डर में इतनी शानदार खिंचाव में आएगी। साथ में ये जो पेट का हिस्सा है ये खिंचाव में आएगा और लंग्स को पूरा फैलाव मिलेगा। ये आसन अगर आप एक एक मिनट का रोज का अभ्यास करते हैं, आप अपने शरीर में एनर्जी का बड़ा शानदार परिवर्तन देखेंगे। आंतों के पाचन में आप बड़ा शानदार परिवर्तन देखेंगे, स्पाइन की ताकत में आपको अच्छा लगेगा और शरीर का एनर्जी बूस्ट करने में बहुत शानदार आसन है। आप ये मानिए कि शरीर को रिवर्स ऑर्डर में खींचना ही हमारे शरीर की एनर्जी को बढ़ाने का सुंदर तरीका है। आप इसको करने का तरीका कैसे, सीधा लेट जाएंगे। पहले देखो, कोई भी क्रिया ऐसी करो जो एडवांस हो, उसमें आपको पैरों को थोड़ा खोलकर वार्म अप जरूर करना चाहिए। ये हमारा बैठकर लेटकर जो है मॉर्निंग वॉक है, इससे आपके पैर जो है उसमें ब्लड सर्कुलेशन जाएगा तो पूरे शरीर की गर्मी बढ़ जाएगी। 2 से 5 मिनट का अभ्यास करने के बाद आप इस अभ्यास को करें, ये पैरों को इकट्ठा कर लो, जितना शरीर के नीचे यानी हिप्स के जितना नीचे पांव को ला सको उतना नीचे ले आओ। इतना आप अगर इसको नीचे ले आओगे तो बहुत शानदार आपका चक्रासन बैठ जाएगा। अब देखिए, ये यहाँ पर नीचे ले आए, अब हाथ को लेकर जाए ऊपर। ऊपर कहाँ, गर्दन के जस्ट नीचे। गर्दन के जस्ट नीचे जब आप हाथ को लेकर जाएंगे तो आपका आपकी कोहनियां ऊपर की ओर हो जाएंगे। अब यहां से दो काम करने हैं, एक तो सिर को जमीन के ऊपर टिकाते हुए गोल बनाना है और दूसरा पांव का जो पंजा है उसके पावर से आपको ऊपर की ओर प्रेशर करना है। कैसे करना, देखो यहां से हाथों को ऐसे लगाते हुए और सिर को जमीन के ऊपर। अब आप देखिएगा पैर के प्रेशर से सिर को कैसे घुमाना, सिर को जमीन पे रखना, पीछे की साइड ऊपर की साइड रखिएगा और आराम से देखो पैर से पीछे की ओर आपने शरीर को घुमा दिया। अब यहां पर एड़ी को उठा के रखो। अगर आप एड़ी को नहीं उठाएंगे, शुरू शुरू में घुटने पे प्रेशर आता है, तो एड़ी को उठा के रखो और कोहनियों के ऊपर पूरा वजन रखो, वरना सिर के ऊपर पूरा वजन आता है। ये चक्रासन इतना शानदार है, इसका अभ्यास एडवांस पोज में होता है। आपका अभ्यास ये तभी संभव है जब शरीर वार्म अप होगा, बिना वार्म अप के मत करना। वार्म अप करना शरीर को और ये अन्य जो आसन आप कुछ कर रहे हैं उसके बाद में लास्ट में करने वाला आसन है, तो इसको लास्ट में आप अपने अभ्यास में जरूर डालो। आप देखेंगे स्पाइन पूरी खुलेगी। शुरू शुरू में शरीर स्टिफ होता है तो ये करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन इतना ना हो तो आप इतना कर सकते हैं, ऐसे इतना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे शुरू शुरू में ऐसा खोल सकते हैं, फिर धीरे धीरे इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर धीरे धीरे आप आराम से हाथों को पीछे की साइड में लगा सकते हैं। तो कितना आसानी से हो जाता है। और ऐसे चक्रासन करेंगे तो बहुत ताकत लगानी पड़ेगी आपको चक्रासन के लिए और बहुत स्थिति खराब हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत आसानी से आपका चक्रासन हो जाएगा। इसका अभ्यास जब आपका शानदार हो जाए फिर आप पूर्ण चक्रासन भी लगा सकते हैं। यह आसन बहुत ही गजब है, इसका लाभ लीजिएगा केवल उन लोगों को जो नियमित योग कर रहे हैं और जो नियमित अपने शरीर की स्टिफनेस को कम करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत शानदार है। अपने शरीर को, जीवन को स्वस्थ बनाइए, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं लेता हूँ इजाजत। डॉक्टर मनोज योगाचार्य, नमस्कार।